जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आपने आज इस विषय का वीडियो का शीर्षक तो सुन ही लिया होगा, बुरा वक्त। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सबसे पहली बात है कि या तो आपका जीवन में जो अच्छा वक्त चल रहा था या चीज़ें बहुत नॉर्मल चल रही थी, पर एकदम से चीज़ें डिस्टर्ब होने लग गई है। दूसरी बात है कि जीवन में कुछ दिनों के लिए तो चीज़ें सही होती है और कुछ दिनों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हम उनसे कोशिश भी करते हैं बाहर आने की, लेकिन नहीं आ पाते। तीसरी बात यह है कि हमने कभी अच्छा वक्त देखा ही नहीं है। बुरा ही वक्त के साथ हम जी रहे हैं, जीवन चल रहा है और हम उसके साथ यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा जीवन में बुरी वक्त कभी भी किसी भी वक्त आए, तो आज इस वीडियो में मैं कुछ जानकारी आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें, कुछ तरीके ऐसे बताऊंगा कि उससे हम बाहर आ सकते हैं। और बहुत ही कारगर बात है जो कई सारे जातकों ने इस चीज़ को फॉलो किया, तब जाके उन्हें ये पॉजिटिव परिणाम मिले हैं। तो प्लीज़, सिर्फ एक छोटा सा ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और चीज़ों को बहुत बारीकी से समझें। मैं आपसे ज़रूर ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो की जानकारी मिलने के बाद अपने बुरे वक्त से आप बाहर आ जाओगे। कभी भी, या कोई आपका मित्र हो उसे भी आप ये जानकारी देकर चीज़ें बाहर आ सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा सही और सकारात्मक मोटिवेशनल ज्योतिष रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। दूसरी बात है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे अच्छे अच्छे टॉपिक्स फिर से मैं कवर कर पाऊँ। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहली बात कि जब भी हमारे जीवन में बुरा वक्त चलते रहे तो हम एक ऐसे व्यू में फंस जाते हैं, ऐसे चक्र में फंस जाते हैं कि हम कोशिश करते हैं बहुत सारे निकलने के, पर हम निकल नहीं पाते हैं। तो मुख्यतः बात है कि हम चाहे कितने भी ख़राब दौर से गुजरें, हमारी विचारधारा, हमारे थॉट्स, हम जो चीज़ें हैं उन्हें पॉजिटिव ही सोचें और सकारात्मक ही खुद को रखें। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम सकारात्मक नहीं रहेंगे, पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो बहुत सी चीज़ें और तकलीफों की ओर जाती है। और जैसे हम नेगेटिविटी में होते हैं, जैसे वक्त ख़राब होता है तो हमारे इर्द गिर्द सब चीज़ें नेगेटिव होती है, लोग साथ छोड़ देते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग मतलब हम हमारी परेशानी से दुखी अलग हैं, लेकिन एक पब्लिकली जो व्यू होता है, जो हमारे आसपास रहने वाले लोग, वो भी हमें पॉजिटिव सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन एक नेगेटिव बातें कहते हमें सुनाई देती है। तो पहले और बात है कि जीवन में हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो, हमें केवल जो सकारात्मक अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए उन्हीं पर ध्यान देना है। बाकी कुछ हमारे बारे में लोग जो बात कह रहे हैं, जो हो रही है, वो अपनी जगह है, उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती है, वो आपको डिसीजन नहीं लेने देती, वो आपको उससे बाहर आने नहीं देती। तो पहली बात आप अपने जीवन में याद रखें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने की आदत, दुर्वा जो चढ़ती गणेश जी को, आपकी लोकल भाषा में शायद दुर्वा को और कुछ कहते हो सकते हैं, लेकिन दुर्वा आम तौर पर सभी जगह मिल जाती है, तो कंटिन्यू रोज़ आप गणेश जी को दुर्वा तो ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि गणपति महाराज जी जो हैं, जो रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं, और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हमको इन ख़राब हालातों से बाहर वो निकालते हैं, और बहुत सारे लोगों को निकाला भी, मैंने ये उपाय किया है, उन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगा है। तीसरा बात होता है गुरु मंत्र, जो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि अपने गुरु मंत्र का जाप आप बहुत अधिक मात्रा में करें, मतलब अधिक से अधिक संख्या में करें, क्योंकि इस जीवन में सुख दुख अच्छा बुरा ये चलता रहेगा, लेकिन मंत्र जप जो हमारे साथ जाने वाला है, वो मंत्र जप हमें करना और उस पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर फोकस होगा तो बहुत सी चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। चौथी बात है कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उसमें निस्वार्थ भाव जरूर हो, क्योंकि हम मानव है और स्वभाव है, हम लेन देन वाला भाव रखते हैं, क्योंकि हम इस मार्केटिंग के दौर में जी रहे हैं, बाजारीकरण में, तो हम ईश्वर से भी हमारे कई बार एक अनुवांशिक कह दूं या एक आंशिक मन में ये चीज़ चलती है लेन देन वाला, तो ये कहीं भी एक इंच मात्र भी भाव नहीं है, ईश्वर श्रद्धा का विषय है, निस्वार्थ भाव का विषय है, और वो सच है और आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।